सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एम आई टेक्निकल पॉइंट को, और ये जो साइड में बेल आइकन है इसे भी प्लीज़ दबाइए ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को एक कंप्यूटर स्क्रीन का लुक कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, आपका फ़ोन जो है इसमें आपको पूरा जो है फ्रेंड्स डेस्कटॉप का लुक मिल जाएगा। और दोस्तों, इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर फ्रेंड्स बहुत सारी वीडियोज़ है इससे रिलेटेड, लेकिन फ्रेंड्स वो आपको बोलती है कि आपको कुछ 400-500 की MB फाइल की फ्रेंड्स कुछ फाइल डाउनलोड करनी होती है, और फ्रेंड्स उसमें कुछ बहुत लंबी प्रोसेस होती है माने फ्रेंड्स वो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के देखने के बाद में आपको उस सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटी सी प्रोसेस फ्रेंड्स, जिससे आपका फ़ोन जो है पूरा डेस्कटॉप लुक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको सिंपली बस फ्रेंड्स, जो मैं आपको दो एप्लीकेशंस बताऊंगा प्ले स्टोर से, आपको उसे जो है फ्रेंड्स डाउनलोड करना होगा। वो डाउनलोड आप करने के बाद में आपका फ़ोन जो है फ्रेंड्स इस तरीके से दिखने लगेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने फ़ोन को जो है पूरा जो हमको डेस्कटॉप का लुक देना है दोस्तों, उसके लिए आपको अपने फ़ोन में दो एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने हैं प्ले स्टोर से। वो दोनों एप्लीकेशंस मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। दोस्तों, प्ले स्टोर में आपको जो सर्च करना है सेंटियो, SENTIO, मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है दोस्तों। आपको वो सर्च करने के बाद दो एप्लीकेशंस मिल जाएंगे स्टार्टिंग में ही। एक है फ्रेंड्स सेंटियो डेस्कटॉप और एक है फ्रेंड्स सेंटियो ऐप्स। ये देखिए दोस्तों, सेंटियो ऐप्स है दोस्तों, आपको इसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सेंटियो डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, दोनों एप्लीकेशंस आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद में आपको दोनों को इंस्टॉल करने के बाद में आपको सेंटियो ऐप्स में कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको सिंपली जो सेंटियो डेस्कटॉप हमारा एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है। तो ये दोस्तों, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओके गाइस, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा दोस्तों। आपको यहाँ पर लेट स्टार्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ओपन सेटिंग पर क्लिक करना होगा, और दोस्तों आपको यहाँ सेंटियो डेस्कटॉप का लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। आप पर आपको कुछ इस तरीके से डिसेबल मिलेगा, आपको इस तरीके से उसे अनेबल करना है। फिर फ्रेंड्स आपको बैक जाना है। ओके, एक मिनट फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको वापस ओपन सेटिंग पर जाना है, और यह सेंटियो डेस्कटॉप फ्रेंड्स एक और मिलेगा, आपको इसे अनेबल करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। फिर फ्रेंड्स आपको बैक जाना है वापस, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी होगी, तो मैं यहाँ अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ फ्रेंड्स। ओके, दो उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ गो टू सेंटियो डेस्कटॉप पर क्लिक करना होगा दोस्तों। इस पर क्लिक करते ही आपका जो डेस्कटॉप ऑन हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डेस्कटॉप जो है ऑन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है सेंटियो ऐप पैक जो हमने इंस्टॉल किया था उससे आपको जो है फ्रेंड्स ब्राउज़र, कैलकुलेटर और दोस्तों इस तरीके के कुछ कंप्यूटर डेस्कटॉप वाले एप्लीकेशंस मिल जाते हैं दोस्तों। आइए हम सबसे पहले ब्राउज़र से शुरुआत करते हैं, ब्राउज़र ऑन करके देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ कुछ अपडेट आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्राउज़र ऑन करने के बाद में आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन मिल जाता है या मिनिमाइज़ का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। अब जो हमारा कंप्यूटर वाला ब्राउज़र ऑन हो जाता है, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, न्यू टैब भी ओपन हो जाती है। यहाँ से फ्रेंड्स आप क्रॉस कर सकते हैं इसे। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो कैलकुलेटर भी जो है उसी टाइप का मिल जाता है। ये देखिए, इसे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है, हमारे फ़ोन को एक नया लुक मिल जाता है फ्रेंड्स चलाने के लिए दोस्तों। आपको फाइल मैनेजर मिल जाता है उसी टाइप से कंप्यूटर की तरह। और दोस्तों यहाँ माइंड स्वीपर आपको गेम भी मिल जाएगा एक कंप्यूटर का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरीके का एक गेम मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यार टास्क मैनेजर भी मिल जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको जो है आपका जो जितना स्टोरेज आपका फ्री है और जितना आप यूज़ कर चुके हैं ये भी पता चल जाता है। ये देखिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ पे आपको टेक्स्ट एडिटर मिल जाता है, आप कुछ नोट्स सेव करना चाहते हैं तो। ओके गाइस, और देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों अगर आपको आपका डाटा ऑफ ऑन ऑफ कुछ आपको मैनेज करना है तो आप यहाँ नीचे फ्रेंड्स क्लिक कर सकते हैं इस पर। तो आपको यहाँ पे वाईफाई, डाटा,
ब्लूटूथ और फ्रेंड्स वगैरह वगैरह सारी सेटिंग्स मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस का एरो है वहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगी कि आपके फ़ोन में क्या क्या नोटिफिकेशंस आई है दोस्तों। यहाँ से आप सिंपली जो है अपनी वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको जो नहीं पसंद आता है सेंट्यू डेस्कटॉप, या फिर फ्रेंड्स आप किसी इससे आप सेंट्यू डेस्कटॉप से बाहर जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो है फ्रेंड्स लॉग आउट पर क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों, आप यहाँ एस पर क्लिक करेंगे जो फ्रेंड्स बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में है सेंट्यू का आइकन, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपके सारे एप्लीकेशंस खुल जाते हैं, एप्लीकेशंस लिस्ट हमारी आ जाती है दोस्तों। इसे आप यहाँ ABCD से भी फ्रेंड्स सर्च कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप यहाँ एप्लीकेशन का नाम टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके यहाँ पे सारे एप्लीकेशन जो है फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल मोड में चलेंगे। ओके गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यूट्यूब का। यूट्यूब ऑन कर लेते हैं फ्रेंड्स, यूट्यूब। ओके गाइस, तो यूट्यूब में यहाँ मैं अपना जो है फ्रेंड्स चैनल सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चैनल यहाँ आ चुका है, MI टेक्निकल पॉइंट, ये देखिए फ्रेंड्स। और दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों कल के ही दिन जो है हमारे 65 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। वो भी फ्रेंड्स हम मैंने अभी तक जो अपने चैनल पर सिर्फ 10 कंटेंट डाले हैं उसमें दोस्तों आपने मेरे 65 सब्सक्राइबर्स कर दिए। उसके लिए दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप मेरी यहाँ पे इतनी सारी वीडियोज़ है, आप जो चाहे वो देख सकते हैं। ओके गाइस, और अभी हम देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से यूट्यूब को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब को भी मिनिमाइज़ कर दिया है। और दोस्तों मतलब काफ़ी अच्छा है, हमारा जो फ़ोन एक अलग लुक मिल जाता है फ्रेंड्स, अच्छा लगता है चलाने के लिए। और दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका जो जो हमारा वॉलपेपर है फ्रेंड्स, वॉलपेपर आपके फ़ोन में दूसरा आ सकता है। एक्चुअली फ्रेंड्स इसे मैं बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहा हूँ, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेंड्स ये वॉलपेपर रख दिया है। तो फ्रेंड्स ये डिफ़ॉल्टली ये रखा गया है, नहीं तो फ्रेंड्स आपके इसमें सेंट्यू का एक फ्रेंड्स सेंट्यू वॉलपेपर आएगा। और दोस्तों अभी हम अगर आपको यहाँ से लॉग आउट करना है, देखिए फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ मैं, ये देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे लॉग आउट पर क्लिक करके ऐसे लॉग आउट कर सकते हो। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।